चाहिए कि आप उसको अच्छे से पढ़ के जाएं, बिकॉज अगर आपने अपना रिज्यूमे नहीं पढ़ा तो फिर आप बताएंगे क्या वहां पे. नेक्स्ट इज हाइलाइट्स रेलेवेंट फैक्ट. नाउ व्हाई इट हाइलाइट्स, अब इमेजिन मैंने एक कंपनी में काम किया और वहां मुझे बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे मेरे काम के लिए, तो अगर वो काम के लिए अवार्ड्स मिले थे और नेक्स्ट कंपनी में जब अप्लाई किया सेम तरह का काम हुआ तो ऑब्वियसली द इंटरव्यूअर विल कंसिडर मी, क्योंकि मैंने उसके लिए अवार्ड लिया था, सेम टाइप ऑफ काम के लिए मैंने अवार्ड लिया था, तो यहाँ शायद मैं और अच्छा करूँ, ये उनके माइंड में हो सकता है. इसलिए यहाँ रेलेवेंट फैक्ट्स आपको हाईलाइट करना ही चाहिए. Then creates a value. Now, एक चीज मैं बोलूंगी, हो सकता है थोड़ा आप offensive feel करें, but यहाँ आप resume आपका marketing करता है, right? Marketing समझते हैं आप, जब हम sales के process में जाते हैं तो किसी product की qualities बताते हैं. So resume is a kind of the qualities mentioned. Okay, your qualities are mentioned in your resume. तो वो आपका promotion कर रहा है वहाँ पे. प्रोडक्ट प्रमोशन तो आप सब समझते ही होंगे, मार्केटिंग करना, उस प्रोडक्ट के बारे में चीजें बताना, तो ये रिज्यूमे आपका, आप समझ लीजिए कि आप एक प्रोडक्ट हैं और ये रिज्यूमे आपका प्रमोशन करता है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज रिमेम्बर, रिज्यूमे तैयार करिए और बहुत आराम से तैयार करिए, बिकॉज जल्दबाजी में तैयार किया हुआ रिज्यूमे परफेक्ट नहीं होता है. आप आराम से टाइम लीजिए और तब रिज्यूमे को प्रिपेयर करिए. अब देखिए essentials. Now, यहाँ essentials क्या है कि आप जब resume तैयार करेंगे तो उसमें क्या क्या लिखने वाले हैं. Objectives. Objective आप लिखते हैं कि आपका life में क्या goal है, right? Where do you want to see yourself 10 years from now or maybe 5 years from now? ऐसा कोई question आपसे पूछा ही होगा किसी ने, तो यहाँ objective वैसा ही रखिएगा जो आपके career related हो, ना कि आपके किसी hobbies related या interest related. So always remember, objective and personal statement आप वहाँ लिख सकते हैं. Now personal statement doesn't mean you have to write about your family or maybe about your friends. ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ personal statement है कि आप अपनी qualities के बारे में वहाँ mention कर सकते हैं. मैंने कई बार resume में देखा है about myself. ऐसा एक corner होता है और चार पांच lines बहुत ही अच्छी लिखी होती है. Now that represent or showcase the qualities of the candidate. Next is personal details. Now when I'm saying personal details, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी अगेन कुछ पर्सनल चीजें आपको लिखनी है. यहाँ आपका नाम आता है, एड्रेस आता है, फोन नंबर, बस. और अगर आप आउट ऑफ इंडिया अप्लाई कर रहे हैं तो कई बार आपसे पैन और मेरी पासपोर्ट का नंबर भी मांगा जा सकता है. सो दोज आर योर पर्सनल थिंग्स, सो यू शेयर ओनली विच इज रिक्वायर्ड. नेक्स्ट इज एजुकेशन. व्हाई इज एजुकेशन मेंशन करना यहाँ इम्पोर्टेंट, क्यों? एजुकेशन आप जब भी मेंशन करेंगे सबसे पहले तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मेंशन करें. व्हाई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मैंने क्यों बोला? नाउ अभी मैं एक ग्रेजुएट हूँ, उसके पहले मैंने 12th किया था और उससे पहले मैंने 10th किया था. नाउ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर डजंट मीन कि आप पहले 10th लिखें, 12th लिखें और फिर ग्रेजुएशन लिखें. आप उल्टे ऑर्डर में चलिएगा, जो लेटेस्ट डिग्री है आपकी उसको आप पहले मेंशन करिए, बिकॉज़ अगेन वो ऑर्डर सही नहीं लगता, तो आप लेटेस्ट डिग्री को पहले मेंशन करेंगे. एजुकेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अगर किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्या आपने उससे रिलेटेड पढ़ाई की है? नहीं की है तो शायद वो आपको जॉब नहीं मिल पाए, राइट? तो ये एचआर के लिए, रिक्रूटर्स के लिए भी हेल्पफुल होता है और आपके लिए भी हेल्पफुल होगा जॉब सर्च में. जब आप अपना एजुकेशन मेंशन करेंगे तो उससे रिलेटेड ही जॉब आपको दी जाएगी. कोर कॉम्पिटेंसीज और की स्किल्स. व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट टू हाईलाइट? क्योंकि की स्किल्स आपकी क्वालिटीज को बताता है. नाउ काम तो आपने बहुत किया, सब कुछ किया, बट क्या आप में वो स्किल्स हैं? Now, what are skills? मैंने आपसे last live class में discuss किया था, remember? Communication skills होते हैं, and then you have interpersonal skills. तो आप में कौन-कौन सी skills हैं उस job को करने के लिए, वो आप इस section में mention करेंगे. Next is achievements. Achievements के बारे में मैंने आपको बताया. Maybe आपको award मिला हो किसी चीज के लिए, या फिर आपको सराहा गया हो लोगों के सामने, कोई certificate मिली हो. तो ये सारी चीज जरूर से जरूर मेंशन करें, क्योंकि ये आपकी काबिलियत दिखाती है और अगर आप उस काम को करने में काबिल हैं तो आप बहुत ही आगे जाएंगे.
नाउ रेफरेंसेस, कई बार होता है कि मे बी कोई सीनियर पर्सन आप